दीन के हुक्म में खादिम हुसैन खुर्शीद की गर्दन आए तो चूचरा नहीं फिर मैं पेश कर दूं, इस्लाम ऊंचा होगा। मेरे पीर की, मौलवी की, कायद की, बेटे की, भाई की गर्दन आए, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं फिर कट जाए ताकि इस्लाम वाजे हो। सुभान अल्लाह, हौली है। हम मरते तब जब कहते हैं, क्योंकि अपनी बात है, ये तो यूं कर लो वूं कर लो, ऐसा नहीं होता। उमर को पता चले मेरा बेटा है, ये अमल किया गया, ऊंट की नंगी पुश्त पे बिठा के जकड़ के भेजो ताकि लोगों को पता चले कि उमर मोहम्मद अरबी के दीन में कितना कुछ दाखिल हो चुका है। उसने कहा मैं चलाऊं तलवार, फरमाया नहीं, रोक दिया। अब एक तरफ अबू आमिर था, एक तरफ वो हंजला जिसकी शादी आज हुई, नई नबीली दुल्हन, सुहाग रात, जिंदगी के आगाज, नई जिंदगी का आगाज, अरमानों की दुनिया सज चुकी। खलवत सहीगा में थे, अचानक आवाज कानों में पड़ी, ओ नबी के गुलामो, मोहम्मद अरबी के दीन को खून की ताकत की कुव्वत की लश्कर की जरूरत है। इस्लाम ये है मैं कहां हूं, फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आज मुस्तफा के गुलाम, बाप कैसा था, बेटा हुजूर की गुलामी में कैसा। फौरन उठे, दरवाजा खोला, जंप लगाया बागर। अम्मा दौड़ के पकड़ के कहती है कोई लड़ाई हो गई, मियां बीवी के दरमियान कोई झगड़ा का नहीं। का इतनी तेजी का, अम्मा अब रास्ता छोड़ दे। अब अम्मा, अब तक मेरे अरमान थे, अब मोहम्मद अरबी के दीन की बात है। ये है मारिकाए ओहद, हुजूर के गुलामों में शामिल हो गया। गया जामे शहादत नोश किया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर दीन इश्तिहार की नौबत, मुरीदों की लश पश तारुफ कराने की लोगों में जरूरत नहीं पेश आती। बंदा हो दीन के लिए, मालकानू खबर है ते कंड भी नहीं लगन देंदे। खलवत सगिया सुहाग रात, दूल्हा साहब मैदान में शहादत का जाम पी गया। रसूल मुख्तार ने फरमाया जख्मियों को लाओ, शहीदों को लाओ, सारे आ गए। हंजला कहां गए हुजूर के गुलामों, मजा ये है कि जिनके लिए हम मर रहे हो वो खबर रखते हो, और कितना लजपाल है वो जो पल पल खबर रखता है। हुजूर ने फरमाया गुलामों मेरा हंजला वो गए जिसको इस वक्त आसमान के मलाइका गुस्ल दे रहे गए, उस पर गुस्ल फर्ज था, मोहम्मद के दीन के लिए कट गया, और कयामत तक के लिए मुस्तफा के मिंबर पे उसे गसीलुल मलाइका कहा जाएगा। ये है वो फलसफा, जब हम दीन के लिए करेंगे। दीन ये चाहता है आए बाएं शाएं ना हो, सब कुछ दीन के ताबे और दीन के मुताबिक हो। दूसरे से तवक्को करने से पहले मैं और आप पहल करें, झूठ से बचें, धोखे से बचें, दो नंबरी से बचें, मिलावट से बचें, रिश्वत से बचें, हराम से बचें, सूद से बचें, अपने से शुरू कर दें। और हम बताएं हम किसी की डायरेक्शन पे, आपका देवबंदी होना, वहाबी होना, सुन्नी होना, शिया होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रहो, पार्टी का होना, जमात का होना, सियासत का होना, इलाके का होना, रखो, लेकिन तबीयत के मुताबिक दीन नहीं, दीन के मुताबिक तबीयत। शरीयत तबीयत के मुताबिक नहीं, तबीयत हौली बोलो, तबीयत शरीयत के मुताबिक। कोई देखे ना देखे आपको परवरदिगार देख रहा है, कोई बताए ना बताए आपको कुरान बता रहा है, कोई समझाए ना समझाए 1400 साल पहले आपको मुझे मुस्तफा ने समझा दिया है। फिर दीन के गलबे को दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं है। चौंचले नहीं होते पूरे, वो किसी के भी नहीं हुए। सादगी की तरफ लौट आइए, भूखे नहीं मरोगे। मोमिन को तो पता है ना
अल्लाह पत्थर में भी कीड़े को देता है। ये हम सिख से पूछेंगे, ये बात हमें कोई यहूदी सिखाएगा, हमें कोई ईसाई सिखाएगा कि हम बताएंगे? कब बताएंगे? जब रिश्वत नहीं लेंगे, दो नंबरी नहीं करेंगे, कम नहीं तोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नुकसान हो गई पता होगा कि रिस्क अल्लाह ने देना है। जो बंद पत्थर में दे सकता है, दुकान पे भी दे सकता है, घर में भी दे सकता है। अल्लाह हमें दीन की नौकरी नसीब फरमाए।